चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीसी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं और अभी साथ ही साथ आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है इसका मैं यहां पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि चॉइस फिल करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो आइए मैं आपको चॉइस फिलिंग का सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूं। तो हम चॉइस फिल करते समय सबसे पहले mcc.nic.in की वेबसाइट पर विजिट करेंगे। यहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का हमें ऑप्शन मिलेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन के बाद में ऑलरेडी हमने रजिस्टर कर रखा है तो यहां रोल नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद साइन इन करेंगे। अगर नया रजिस्ट्रेशन कर देंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यहां साइन इन करेंगे। साइन इन करने के लिए आपके मोबाइल पर ओटीपी जाता है। ये इस बार अच्छी सुविधा दे रखी है ताकि आपके इस लॉगिन का कोई मिसयूज ना कर सके। तो ये ओटीपी डालने के बाद में आपने साइन इन करना है। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें होम, चॉइस फिलिंग, मैनेज फील्ड, चॉइसेज, चॉइस अंडर चेंज। तो इसमें सबसे पहले हम देखें लेफ्ट साइड में सारे कॉलेज दिए गए हैं जिन्होंने हुए, वो कॉलेज हैं जिनके लिए आप इलिजिबल हैं, आपने उनके लिए अप्लाई किया है। अगर आपने यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा ओपन सीट के लिए अप्लाई किया है तो वही दिखाई देंगी, यहाँ पर डिम्ड सीट नहीं दिखाई देगी। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन है इसके अंदर। तो लेफ्ट साइड के अंदर सारी कॉलेजें हैं, इनको आप फिल्टर भी कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है, उसके बाद में प्रोग्राम दिया गया है, कोर्स एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग। तो इसमें अगर आप एमबीबीएस के लिए करना चाहते हैं ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि कई सेम कॉलेज में दोनों कोर्स भी हैं, एमबीबीएस बीडीएस भी है। तो यहां पर स्टूडेंट काफी गलतियां करता है, वो एमबीबीएस कोर्स देखता नहीं है, वो कॉलेज देख के सिलेक्ट कर देता है, बाद में पता लगता है वो कॉलेज में उस बीडीएस कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद में यहां पर एक्शन में ऐड करना है आपने। जैसे ही आप ऐड करेंगे राइट साइड में जो जो कॉलेज चूज करेंगे वो राइट साइड में आती जाएंगी। इसके बाद आप राइट साइड से यहां रिमूव भी कर सकते हैं, उस कॉलेज की चॉइस को अप भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको अवेलेबल चॉइस भी दिखाई देंगी, फील्ड चॉइस भी दिखाई देंगी। तो इस प्रकार से आप चॉइस फिल कर सकते हैं, लेकिन ये चॉइस फिल आपने बड़े ही ध्यान से करनी है। ये आप कोर्स का ध्यान रखें, कॉलेज का ध्यान रखें, कोटा का ध्यान रखें, और इसके बाद में आप जो राइट साइड में चॉइसें आ रही हैं उनको भी एक बार प्रायोरिटी वाइज चेक कर ले। ये सब करने के बाद में आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और फिर जैसे ही आपकी चॉइसें पूरी हो जाती हैं उसके बाद में आपने लॉग आउट कर देना है। अब हम यहां बात करेंगे कि चॉइस फिल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट है चॉइस सीरियल नंबर, तो यानी कि चॉइस कौन से क्रम में भरे। तो चॉइस हमेशा टॉप से लोवेस्ट के क्रम में फिल करनी चाहिए, चाहे आपके मार्क्स कितने भी हो। पहले टॉप कॉलेज फिल करें, उसके नीचे जो लोवेस्ट कॉलेज हैं वो फिल करें। अभी काफी स्टूडेंट का यहाँ कंफ्यूजन रहता है इस बात को लेकर कि अगर किसी कॉलेज को हमने 45 नंबर पर सीरियल पर फिल की है। मैं दोबारा बता देता हूं, ये कंफ्यूजन काफी स्टूडेंट्स को होता है। अगर किसी स्टूडेंट ने किसी कॉलेज को 45 सीरियल नंबर पर फिल की है और उसी कॉलेज को उस कैंडिडेट से डाउन रैंक के कैंडिडेट ने 30 नंबर पर फिल की है, यानी कि उसने पहले फिल कर दी है, तो ये पहले किसको मिलेगी। तो ये पहले अप कैटेगरी वाले कैंडिडेट को मिलेगी, चाहे उसने 45 सीरियल नंबर पर ही उसको क्यों न भरा हो। 30 वाला कैंडिडेट उसके बाद की रैंक का है, जिसने 30 सीरियल पर भरा है वो उसकी बाद की रैंक का है, उसको बाद में मिलेगी। पहले 45 वाले यानी कि अपर रैंक कैंडिडेट को सीट मिलेगी। तो ये थोड़ा सा आप कंफ्यूजन ना रखें इसमें, आप टॉप से लोवेस्ट के क्रम में ही कॉलेज फिल करें। अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस का आपने ध्यान रखना है चॉइस फिल करते समय। ट्यूशन फीस जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, एमपी, इन स्टेट्स की फीस ज्यादा है,
इसके बाद कॉलेज की फीस को भी दिमाग में रखें, जैसे तमिलनाडु की राजा मतैया होगी, आईआरटी कॉलेज होगी, तो इन कॉलेजों की, इंडिविजुअल कॉलेजों की फीस भी ज्यादा है। इसके अलावा एमजीएम वर्धा है, इसकी फीस भी ज्यादा है, तो आप ट्यूशन फीस का खास ख्याल रखें फिर करें इसमें। इसके बाद भी थर्ड पॉइंट है अटेस्ट हॉस्पिटल। एमबीबीएस की स्टडी करते समय मेडिकल कॉलेज के साथ जुड़े हुए हॉस्पिटल की विशेष भूमिका होती है। आपको फर्स्ट ईयर में तो कॉलेज में थ्योरी और प्रैक्टिकल की क्लासें होती हैं, डाइसेक्शन के साथ में क्लासें होती हैं, लेकिन इसमें सेकंड ईयर से आपकी हॉस्पिटल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको कॉलेज के साथ अच्छा हॉस्पिटल जुड़ा हुआ होगा तो आपको एमबीबीएस के दौरान सीखने का अच्छा मौका मिलेगा। तो ऐसी कॉलेजें चुने जिनके हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो अच्छा है। अभी हमारे सामने समस्या ये आती है कि हमें कैसे पता करें कौन सी मेडिकल कॉलेज के साथ में कौन सा हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है और इसमें पेशेंट फ्लो कितना है। तो इसके लिए आप पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट ओपन करके ये सारी चीजें वहां से देख सकते हैं। वहां पर उसके साथ अटेस्ट हॉस्पिटल की जानकारी आपको मिल जाएगी, वो कितना बेडेड हॉस्पिटल है, उसमें कौन कौन सी ब्रांच है, तो ये सब आप सर्च करके देख सकते हैं। या फिर आपका अगर कोई दोस्त किसी मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहा है, वो आप मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप उससे भी पूछताछ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोर सीट्स, यानी मतलब ये है कि ज्यादा सीट वाला कॉलेज पहले प्रिपेयर करें। जिन कॉलेजेज में 250 सीट्स हैं उनको पहले प्राथमिकता दें, उसके बाद 200, 150, 100 के क्रम में फिल करें। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन कॉलेज में ज्यादा सीट्स होती हैं वो उतना ही ज्यादा बेडेड हॉस्पिटल उसके साथ जुड़ा हुआ होता है और उस हॉस्पिटल में सीखने का अच्छा मौका मिलता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं पीजी सीट्स का। ये फैक्टर भी काफी काम करता है। जिस स्टेट में पीजी सीट्स ज्यादा हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तो ऐसे स्टेट को प्रेफरेंस दें, क्योंकि आप जिस स्टेट से एमबीबीएस करेंगे वहां की 50% स्टेट कोटा सीट के लिए दावेदार रहेंगे। पीजी में स्टेट रेजिडेंस डोमिसाइल का कुछ ही स्टेट में होता है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, बाकी स्टेट्स में जहां से आप एमबीबीएस करेंगे वहां की आप वहां के लिए इलिजिबल रहेंगे पीजी सीट्स के लिए, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज। ये पुराने कॉलेज को पहले प्रेफरेंस दे, उसके बाद अपने नियर बाय के जो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग न्यू कॉलेज फिल करें। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट प्रायोरिटी। आप पहले अपने नियर बाय स्टेट फिल कर सकते हैं, मगर दूर स्टेट में अगर आपको अच्छी कॉलेज मिल रही तो वो आपको लेनी चाहिए। आप अपने स्टेट से बाहर निकलेंगे तो पीजी के तो फायदा होगा ही होगा आपको, साथ में आपका आउटर नॉलेज भी इंक्रीज होगा। आप ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट होंगे तो आपको और ज्यादा कुछ करने के मोटिवेशन मिलेंगे, आपकी सोच है उसका लिमिटेशन बढ़ेगा। हमेशा नए लोग, नई जगह से आदमी बहुत कुछ सीखता है। नेक्स्ट है सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड के बारे में आपने अच्छी तरह ध्यान रखना है, कौन से स्टेट में कितना सर्विस बॉन्ड है। ये हमारी बुक में सभी स्टेट्स का सर्विस बॉन्ड मेंशन कर रखा है, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये जानकारी थी चॉइस फिल कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नए वीडियो में नई अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।